भुने चने सिलीनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सिलीनियम के साथ साथ ये प्रोटीन इनरिच होते हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अब आयरन जो है वो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी ब्रेन पावर जो है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा चने का इस्तेमाल आप पंजीरी में कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फॉस्फोरस इनरिच होता है, फॉस्फोरस का एक बहुत अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है। दैट्स वाई ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल जो स्केलेटन है उसके लिए बहुत अच्छा है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भुने हुए चने के बारे में, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और उनको हम अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी जो पावर है, जो बेनिफिट्स हैं, उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपको और आपके बच्चों को, इनका इस्तेमाल डाइट में क्यों रखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में कि भुने हुए चने आयरन का, फॉलेट का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और फाइबर आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, आपकी जो सेहत है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है। ये आपकी ओवरऑल जो गट हेल्थ है उसको हेल्दी रखते हैं। उसके साथ साथ आपको कोई भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड या आपकी गट रिलेटेड इशू है, चाहे वो आपको कब्ज़ का मसला हो, ब्लोटिंग हो या फिर डायरिया का मसला हो, कोई भी गट रिलेटेड इशू है, तो उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं, आपको उन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या है कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप फील करेंगे तो ओवर ईटिंग से बच सकते हैं, जो कि आपको आपके वजन कम करने में भी एड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चनों की बात करूँ तो डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीजों के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, बिकॉज जो शुगर के मरीज होते हैं उनको बार बार भूख लगती है, उनका शुगर लेवल जो है बार बार लो हो जाता है, और अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उनके लिए ये एक हेल्दी ऑप्शन है, वो इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। जब उनको बार बार भूख लगती है तो वो चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि चने जो है लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के साथ साथ ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, जो ओवरऑल हमारी ब्रेन हेल्थ है, जो ब्रेन पावर है उसको बूस्ट करता है। उसमें मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैग्नीशियम बेसिकली एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा मिनरल है जो आपका मैसेज ट्रांसफर करता है। अब वो लोग जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी का मसला होता है, उनके लिए भी मैग्नीशियम बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज मैग्नीशियम आपके स्ट्रेस, आपके एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ये ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि ये हमारा फोकस बढ़ाने में भी चनों का इस्तेमाल बहुत मफीद है, इंतहाई मफीद है, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है जो कि आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ओवरऑल का हम आईक्यू लेवल की बात करें तो उनका बहुत अच्छा होता है, मतलब उनका आईक्यू लेवल तो अच्छा है लेकिन ओवरऑल वो अपनी जो क्लास है वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो जा रही होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि उनकी कंसंट्रेशन पावर को कम कर देती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें CBC ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि टाइम पर पता लग सके कि उनमें कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी होगी है जो अपने वर्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। बिकॉज अक्सर बच्चे ये मसला फेस करते हैं कि उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, उनमें आयरन की कमी हो जाती है। चने आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, उनके HB लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में पोटाशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जिन लोगों को BP का मसला है वो भी चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे दांतों के लिए, हमारे बच्चों के दांतों के लिए, हमारी हड्डियों की ओवरऑल हेल्थ के लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। बच्चों को आप उल्टा सीधा चीज़ें देने की बजाय, उनको फ्राइड आइटम देने की बजाय चने दे सकते हैं, कि जब वो स्टडी कर रहे हैं या कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो आप साथ चने रख दें, वो खाते रहेंगे और इस तरह वो हेल्दी ऑप्शन भी लेंगे, साथ साथ उनको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और वो ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे। तो
ये एक हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके लिए और आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए। अगर मैं बात करूं कि इसमें और कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो भुने हुए चने फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर के साथ साथ ये जिंक का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अब जिंक, जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, हम जानते हैं कि जिंक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो हमारी कुव्वते मदाफ़त है, जो इम्यूनिटी है, अम्यून सिस्टम है, जिंक उसको भी बहुत स्ट्रांग करता है। जैसे कि आप लोगों ने कोविड में देखा होगा कि जिंक बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता था ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए और हम उस वायरस से लड़ सकें। इसलिए ये वो लोग जिनको बार बार बीमारियां लग जाती हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो इसको इस्तेमाल करें। बिकॉज चनों में अब आयरन भी प्रेजेंट है जो आपके ओवरऑल कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोलेट भी प्रेजेंट है और जिंक भी प्रेजेंट है। तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अक्सर लोग मीठे कि बहुत उनको क्रेविंग हो रही होती है, बार बार उनका मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, तो ये उन लोगों के साथ होता है जिनमें सिलीनियम या क्रोमियम की डेफिशिएंसी होती है। और जो भुने हुए चने हैं ये सिलीनियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो आपकी सिलीनियम की डेफिशिएंसी को ये ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको बार बार मीठे खाने की क्रेविंग्स होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें, ये आपकी सिलीनियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके दिल के लिए भी भुने हुए चनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपको दिल से रिलेटेड कोई भी मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, या कोई भी दिल से रिलेटेड आपको बीमारी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उन लोगों को चनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, अपनी डाइट में जरूर रखने चाहिए जिन लोगों के साथ कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भुने हुए चने आपके वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके वजन कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, और जितने भी हेल्दी न्यूट्रंट्स हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये आपको फूलिंग और फुलनेस देते हैं, और आप बार बार ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन है वेट लॉस में। उसके अलावा अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको जब भी यूज करना है तो बिल्कुल मुट्ठी भर भर के ओवर कंजप्शन नहीं करनी, क्वांटिटी को हमेशा मॉडरेट रखना है, क्वांटिटी को हमेशा मॉनिटर करना है। एक चीज, अगर आप बार बार इसको ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि और दूसरी चीज, आपने इसको जैसे आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, एक एक दाना करके खाना, बिल्कुल मुट्ठी भर भर के इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो ट्राई किया करें कि आप चने का इस्तेमाल करें। आप इसको नट्स के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, पंजीरी में यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और उसको ऐसे स्नैक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे ओवरऑल चने के बेनिफिट्स भुने हुए चने के, कि आपको इसको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पिंग रही होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चनों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करेंगे, खुद भी करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।